गाइस, हर सीरीज का जैसे एंड आता है, बीवी राइज ऑफ डार्क पावर का भी एंड आ चुका है। और यार इस वीडियो को फुल्ली देखना क्योंकि ये स्टोरी का एकदम लास्ट है। और यार इससे बाद में मैं क्या सीरीज निकालूं मुझे कोई आइडिया नहीं है, निकाल भी सकता हूँ नहीं भी निकाल सकता हूँ क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो चलिए शुरू करते। अपने क्या होता है कि वॉल्ट मतलब जहाँ पर वॉल्ट और लेन की लड़ाई हो रही थी वहाँ पर शू की एंट्री जब हो रही है, शू को वॉल्ट पूछता है कि तुम ऐसा क्यों, तुम डार्क पावर के तो कंट्रोल में थे। तो शू कह रहा है मैंने मल्टीवर्स का डार्क ग्रुप था और वहाँ पर आएगा की भी एंट्री होती है, वहाँ पर लेन वर्सेस, और आएगा के डैड जो है बहुत ही खुश हो जाता है और आएगा आएगा कहता है वो मेरा डार्क ग्रुप था जो तुम लोगों ने देखा, मैं इसलिए आएगा हूँ। तो वहाँ पर जब ड्रम और आर्थर लड़े वहाँ पर डेल्टा की भी एंट्री हो जाती है, और ड्रम की एंट्री होते ही मतलब ड्रम भी जो एंट्री होती है मतलब डेल्टा की एंट्री होती है और ड्रम पूछता है कि वो तुम्हारा जो बाहर में था वो कौन सा रूप था। तो डेल्टा कहता है मेरा मल्टीवर्स का सबसे बुरा रूप था, और वो दोनों ही मिलकर आर्थर को हरा देते हैं। और फिर डार्क ब्लेडर्स जो होते हैं उनको फ्री लुई और सिलास रंटा और रंजीत उनको हरा लेते हैं। और अंदर जब शू लेन को चैलेंज करता है तो वहाँ पर लेन कहता है तुम्हें मैं अब नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे में स्पिरिट को ले लूँगा, अब तुम किसी भी बीबली पे स्पिरिट यूज़ नहीं कर पाओगे, अब तुम्हारा जो स्पिरिट प्राइजन है मैं श्राप दे दूँगा, सिर्फ तुम्हें दूसरा ही तुम्हारे स्प्रिजन से स्प्रिगन को निकालता है, मतलब स्प्रियंगन की जो स्पिरिट होती है, मतलब स्प्राइजन की जो स्पिरिट होती है उसे निकालता है। तो ऐसा कहते ही लूसीफर से श्राप दे देता है और शू वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और जब आएगा कहता है तुमने बहुत बुरा किया, तो आएगा बहुत ही ज़्यादा अटैक करना था, निप स्वॉर्ड अटैक करता है, और ये मैंने खुद फैन में नाम रखा है, और निप स्वॉर्ड अटैक करते ही बहुत ही जोर का धमाका होता है, पर जो होना होता है वही हो जाता है, लूसीफर यानी कि लेन जीत जाता है, बहुत ही जोर का धमाका होता है। और सारे ब्लीडर्स ये सब सुनते हैं और सारे ब्लीडर्स एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं, एक साथ ही एक ही जगह पे आ जाते, ड्रम जलता और आधर को हराते हैं, आधर बेहोश हो जाता है और सारे ब्लीडर्स आ जाते हैं और सारे ब्लीडर्स उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं लेन के ऊपर। पर लेन जब अटैक करने जाता है पर लेन के पावर सब जानते हैं, दोनों बीबलेट एक ब्लैक होल जैसा क्रिएट करता है, और ब्लैक होल जैसा जब क्रिएट करता है तो क्या होता है दोस्तों, पता है क्या होता है, सारे बीबलेट्स को बहुत ही ज़्यादा जोर की चोट लगती है और लेन वाला बहुत ज़्यादा जोर के अटैक करता है, और वहीं पर ही वैसे सब कुछ ब्लेडर्स खत्म हो जाते हैं, ब्लेडर्स बेहोश हो जाते हैं सारे ब्लेडर्स। तब वॉल्ट वॉल्ट जगह होता है और वॉल्ट अपने बेबलेट को लेता है और वो जानता है कि फ्री के अंदर अभी भी डार्क पावर है जो उसने बेबलेट सोखी थी। तो वहाँ पर वॉल्टक से वो सारी फ्री मतलब फैंसियर से वो अपने वॉल्टक से सारी डार्क पावर ले लेता है। और फिर ब्रेव वॉल्ट को कहते हैं डार्क ब्रेव अल्ट्रा स्वॉर्ड, और ऐसा कहते यूरेनस को बहुत ही जोर से तोड़ दे रहा है, और फिर पूरी डार्क पावर एनर्जी को अपने अंदर समा लेता है, और फिर एक ही बात कहता है अल्ट्रा कॉस्मिक ब्रेव स्वॉर्ड, और लूसीफर को कहता है डार्क, और लूसीफर मतलब लेन कहता है लूसीफर को डार्क सन स्वॉर्ड अटैक। तो वहाँ पर बहुत ही जोर की टक्कर होती है और फिर कहता है तुम ऐसा मत करो तुम मर जाओगे वॉल्ट, नहीं फिर वॉल्ट कहता है नहीं मैं मर जाऊँगा पर मैं कमीने के हाथ में पूरी दुनिया को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। तो वहाँ पर वॉल्ट ऐसा कहते तो दोनों बिजली की बहुत जोर की टक्कर खाते और फिर लूसीफर का बिजली टूट जाता है, और ब्रेव वॉल्ट एकदम जैसे काय का बेबलेट ड्रॉम से टूटा था ऐसे टूट जाता है, और वॉल्ट डेथ हो जाता है यानी कि वॉल्ट मर जाता है। और यही देखकर सब रो पड़ते हैं, वॉल्ट मर चुका है, और वॉल्ट को संथाल देने जाने के लिए सब आते हैं और सब झुक जा रहे हैं वॉल्ट के सामने, जब वॉल्ट की मतलब वॉल्ट की जो मतलब क्या कहते हैं उसे वॉल्ट की डेड बॉडी के सामने सब झुक जाते हैं और सब बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, और शू भी उठ जाता है, शू देख के बहुत ही ज़्यादा रो पड़ते हैं कि मेरा दोस्त मर चुका है। और यही के साथ ही इस कहानी का ख़त्म होता है, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिस्मिल्लाह, अल्लाह खुदा हाफ़िज़।